परिवार को एक करने की स्टोरी, ये त्याग की स्टोरी है। मैं दीपक लूथरा बोबी, महामंत्री भव्य रामलीला सोसाइटी। रामलीला से जुड़ने की शुरुआत बचपन से थी। मेरे दादाजी रोज भगवान राम की माला करते थे। हमारे क्षेत्र में एक रामलीला होती थी तो मैं उस रामलीला कमेटी से जुड़ा। मैंने उसमें 15 साल लक्ष्मण का प्ले करा। ये रामलीला एक छोटे से मोहल्ले से शुरुआत हुई थी इस रामलीला की, और आज ये इतना बड़ा रूप ले चुकी है। ये दिल्ली की टॉप मोस्ट रामलीलाओं में हमारी रामलीला की गिनती होती है। ये हमारी टीम, हमारे प्रधान जी की बहुत मेहनत है कि हम यहाँ पर आप लोगों के सामने इतना बड़ा रामलीला का मंचन कर रहे हैं, और हमारे को भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। मैं उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ। जय श्री राम। मैं सतीश दूथरा, प्रधान भव्य रामलीला सोसाइटी। ये टीम बनी 2015 में, जिससे कि मुझे बॉबी लूथरा, हमारे महामंत्री दीपक लूथरा, उन्होंने मेरे को जोड़ा। और इसको जोड़ने के लिए बॉबी ने बहुत ही मेहनत करी, एक एक लोगों को जोड़ा। जैसे कि हमारे पहले प्रधान हुआ करते थे भारत आहूजा जी, जो इस समय नहीं है, बहुत अच्छे उन्होंने अपना समय में काम किया। और उसके बाद 2016 में मैंने जो है इसको पदभार मुझे दिया गया प्रधान का, तो उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से चलाया। और जैसे टीम बनी है, वो टीम ने मेरे साथ रहा, बिल्कुल साथ रही, कदम से कदम मिला के चली। जहाँ मेरी गलती होती थी मुझे बताते थे, जहाँ उनकी गलती होती मैं उनको बताता था। उससे लगता था कि दोनों को एक दूसरे से सीखने को मिला। अगर कहीं व्यवस्था बिगड़ती है तो मैं अपने परिवार से एक रात को मीटिंग करता हूँ, उसमें उनको समझाता हूँ कि आज हमारी ये गलतियाँ हुई हैं, तो कृपया करके आगे इस चीज़ को ना दोहराएं। मैं नवीन बंसल, चेयरमैन भव्य रामलीला कमेटी, विवेक बिहार। मैं इस टीम से जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब परिवार की तरह रहते हैं लोग, और परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे इन लोगों का मेहनत देखता हूँ, 10 साल से 5 साल से जो ये मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू आता हूँ। इन लोगों की मेहनत परिश्रम देखता हूँ कि इनकी जो तैयारी है वो 6-6 महीने से ये लोग करते हैं। और इस तरह मेरे साथ में भी मेरे दोस्त आते हैं, मेरे मिलने वाले आते हैं, रिलेटिव आते हैं, वो लोग भी मेरे से बोलते हैं कि भाई हमें भी इनसे जुड़ना है, जो भी हमारा सहयोग बनेगा हम अब इसमें देंगे। कोई तन से देता है, कोई मन से देता है। मैं हरीश गर्ग, कोषाध्यक्ष भव्य रामलीला सोसाइटी। हमारा जो सपोर्ट है फाइनेंशियल, वो जिस तरीके से हम पहले सनातन धर्म में हमारी एक प्रथा चली आती थी कि हम सब मिलकर एक समाज मिलकर उस बेटी की शादी किया करते थे, इसी तरीके से हम रामलीला को भी इसी तरह मैनेज कर रहे हैं कि एक समाज मिलकर उसको अपनी तरफ से जो भी फंड हो सकता है, जो भी पैसे के अरेंजमेंट हो सकता है वो करते हैं। और पहले जो बजट था हमारा, उस बजट के मुकाबले, उस समय के मुकाबले आज करीबन मोटा मोटी 50-60% बजट प्लस है। पहले 1.5%-2% के आसपास बजट जाता था हमारा ओनली। मेरा नाम पंकज कोचर है, मैं भव्य रामलीला सोसाइटी में वरिष्ठ उप प्रधान। जब मैं मंच का संचालन कर रहा होता हूँ तो भगवान राम की ऐसी शक्ति अपने आप हमारे अंदर आ जाती है कि लगता है कि भगवान राम की जब गुणगान कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ शब्द अपने आप निकल के आते हैं, मगर कुछ मेहनत भी उसके लिए करनी पड़ती है। कुछ किताबें भी मुझे पढ़नी पड़ती हैं, रामायण का भी मैंने जब मैं पढ़ के आता हूँ तो पब्लिक को रोकने के लिए भी कुछ कुछ बातें ऐसी रखनी पड़ती हैं कि जिससे पब्लिक का इंटरेस्ट भी बना रहे। और कुछ कुछ आज की भी बातें, उनके परिवार की भी बातें जोड़ता हूँ, भगवान राम के संस्कारों को परिवारों से जोड़ता हूँ, तो परिवार को भी, सामने बैठे हुए लोगों का भी इंटरेस्ट बनता है कि हाँ हमारे परिवार की बात हो रही है। और जब सनातन की बात होती है तो मुझे लगता है अपने आप से हिंदू जो होता है जुड़ता भी है, और मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब सामने से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हम थोड़ी तैयारी, थोड़ी ऊर्जा, भगवान राम का आशीर्वाद इस मंच का संचालन करने में बहुत बेहतरीन तरीके से होता है और मज़ा भी बहुत आता है।
मैं संजय कवात्रा मोनू, वरिष्ठ उप प्रधान भव्य रामलीला सोसाइटी वेग विहार। मैं पंकज प्रिंस लूथरा, आतिशबाजी मंत्री भव्य रामलीला सोसाइटी से। मेरा नाम रवि गाबा, उप प्रधान भव्य रामलीला सोसाइटी विवेक विहार। जय श्री राम। मैं सूरज कुमार, निर्देशक ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। नमस्कार, जय सिया राम। मैं सन्नी कुमार, सह निर्देशक ब्राइट फ्यूचर अकेडमी। रामायण आपको निजी जिंदगी में बहुत सारी शिक्षाप्रद चीजें देती है, जैसे कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, परिवार को बांधने की स्टोरी, जो परिवार को एक करने की स्टोरी, ये त्याग की स्टोरी है। एक भाई के लिए भाई का प्रेम कैसा होता है। भरत के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने एक भाई के प्रेम के प्रति सबको एक क्षण में ठुकरा दिया, ये उसकी कथा है। एक रावण ऐसा भाई अपने बहन के प्रतिशोध के चक्कर में, प्रतिशोध लेने के चक्कर में उसने पूरे संसार से लड़ गया। वो आप रावण से भी शिक्षा ले सकते हैं, रावण से भी सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रामायण आपको सिखाती है। भाई के लिए लक्ष्मण के त्याग को देखने की शिक्षा है। यहाँ पे आप लक्ष्मण को देख सकते हैं कि वनवास रामचंद्र जी को मिलता है और लक्ष्मण जी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। सीता से आप सीख सकते हैं कि एक पति की सेवा कैसे की जाती है। सीता से, राम से, लक्ष्मण से, भरत से, हर पात्र आपको यहाँ शिक्षा देता है। हनुमान जी से आप सीख सकते हैं एक भक्त और एक जो सेवा भाव है, एक सेवक का जो भाव है, आप उनसे बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए है आपके पास उनसे, पूरे रामायण में आप सीख सकते हैं। मैं रिंकू मनचंदा, भव्य रामलीला सोसाइटी उप प्रधान। हमने ये सोचा है कि इस बार जो सरकार ने बैन लगाया है, या हर साल सरकार लगाती है, तो लोगों को पूरा मनोरंजन भी देंगे और सरकार की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखेंगे, जिससे किसी तरीके का कोई पोल्यूशन भी ना हो और लोगों का पूरा मनोरंजन भी हो। मैं साहिल विरमानी, एज ए लीगल एडवाइजर भव्य रामलीला सोसाइटी से। कहने को है कि अभी हम लोग सिर्फ ये रामलीला 15 दिन की होती है, बट हम लोग जो है कंटिन्यू 12 महीने से ही नॉन स्टॉप लगे रहते हैं, जिसमें परमिशन को लेकर हमें 6 मंथ पहले ही परमिशन के लिए DDA को अप्रूवल डालना होता है, एप्लीकेशन डालना होता है, कुछ सिक्योरिटी होती है उसकी जमा करी जाती है, और जिसको कंटिन्यू उसको फॉलोअप लेना होता है मेल पे, और एज ए DCB के इंस्ट्रक्शन को भी हमें फॉलोअप करना पड़ता है। और जो परमी हमें लगता है कि अभी कोई दिक्कत आती है, ऐसा दिक्कत देखो कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चलेगा है, बट उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कुछ रामलीलाओं में हो जाता है, कुछ झूले को लेकर या कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि आगे उसको बेटर करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। मैं हितेश शर्मा, मेला मंत्री भव्य रामलीला सोसाइटी। मेरे पास अरेंजमेंट है 30 सिक्योरिटी गार्ड्स, 20 बाउंसर्स, और बाकी झूलों की तरफ मेरे पास अराउंड 20 जो है सिक्योरिटी गार्ड्स अलग से हैं, जो व्यवस्था में हम जिनको अपने मदद के लिए यूज़ में लाते हैं। और रही बात क्राउड की, तो क्राउड शाम होते ही बढ़ जाता है। मेन प्रॉब्लम आती है क्राउड जब ज़्यादा हो जाता है। सीटिंग जैसे हमारे पास 5,000 लोगों की है और पब्लिक 8,000 आ जाती है, तो हम उसमें सपोर्ट लेते हैं दिल्ली पुलिस की और सिविल डिफेंस का जो स्टाफ आता है उनकी। मैं माधव लूथरा। और मैं युव ग्रोवर, टीम सोशल मीडिया।